भजन गा दीजिए थोड़ा सा। जय हो, बोलिए कौशल्यानंद भगवान की जय। अरे हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामे रो सलो, चलाए दियो टोना किशोर गौर सामे रो सलो, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामे रो सलो, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सलोना सखी सावरो सलोना, सावरो सलोना सखी सावरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सावरो सलोना, हम पे गाइए सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हैं। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, जो नीलम और सोना किशोर गौर सामरो सलोना, जो नीलम और सोना किशोर गौर सामरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना। चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना,
सीताराम जी भगवान की जय। मां सती को भगवान शिव ने बहुत समझाया, सती ने कहा कि भगवान ये तो बिना शरीर धारण के सारे कार्य कर सकते थे, फिर क्यों भगवान को शरीर धारण करना पड़ा। आज समाज में भी विभिन्न प्रकार के लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि भगवान का कोई अवतार नहीं होता, लेकिन सज्जनों भगवान के लिए अवतार, ज्ञानी के लिए भगवान का अवतार नहीं है, ध्यानी के लिए भगवान का अवतार नहीं है, भगवान का अवतार भक्त के लिए है। ज्ञानी को अपने ज्ञान का दंभ होता है, कहीं ना कहीं मैं ज्ञानी हूं, और ध्यानी का कहीं ना कहीं ध्यान का अपना दंभ होता है, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन जो भक्त है वो कहता है प्रभु ये अपने साधन से अपने ध्यान से अपने ज्ञान से आप तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, कहीं कभी न कभी पहुंच जाएंगे, ये तो आप तक चढ़ने में पहुंचने में समर्थवान हैं, लेकिन मैं सर्वधर्मान प्रत्यजिमामेकं शरणं व्रज, मैं आपकी शरण में पड़ा हूं, मुझसे चला नहीं जा सकता, मैं असमर्थ हूं, अज्ञानी हूं, मेरे लिए तू उतरा। तो भक्त वात्सल्य होता है, भगवान भक्त के लिए धरती पर अवतार लेते हैं, लेकिन फिर भी सती के मन का संदेह गया नहीं। तो सती को शंकर जी ने कहा जब तुम रे मन अति संदेह हो में संदेह व्याप्त हो गया है, नहीं जा रहा है, तो मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठता हूं बट छाई,
और तुम जा करके परीक्षा लेकर के आओ, जैसा तुम्हारा मन करे वैसी परीक्षा। सती चल पड़ती हैं। भगवान शंकर विचार करने लगे कि इनका अज्ञान मेरे समझाने से नहीं दूर हुआ, तो अब तो हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। ऐसे व्यक्ति से ज्यादा तर्क करने की जरूरत मैं नहीं मानता, जो तुम कह रहे हो इसको मैं मानता ही नहीं। ऐसे आदमी को बार बार समझाने से कोई फायदा भी नहीं, न मानो, तुम्हारी मर्जी। सती जी ने माया रूपी सीता का वेश धारण किया और आगे से राम लक्ष्मण आ रहे हैं। एक मृग है मधुकर श्रेणी, पक्षियों से, पेड़ों से अपना प्रेम दर्शन है, पेड़ों से प्रेम कर रहे हैं। संसार प्रकृति भगवान की रचना है, अपनी रचना से कौन प्रेम नहीं करता महाराज। परमात्मा अपनी रचना से प्रेम कर रहा है। क्या सर्वज्ञ है, क्या उनको पूछना है, लेकिन अपने पेड़ों से पूछ रहे, क्या तुमने सीता को देखा। ऐसे भगवान चले आ रहे। अब एक सुंदर बात है यहां पर लिखा हुआ है, लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा। लक्ष्मण जी ने पहले देखा, राम जी आगे आगे चल रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने पहले देखा, आगे वाला पहले देखेगा पीछे वाला, तो आगे वाले को पहले गोस्वामी जी ने क्यों नहीं कहा आगे वाला देखा। आगे वाला देखना चाहिए पहले आगे आगे चल रहा, नहीं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मर्यादा मतलब पुरुषों की जो उत्तम मर्यादा है उसका पालन कर, और उसका पालन गंभीर स्थिति में वो ऐसे चल रहे हैं। सौम्य भाव से इधर उधर ताकना झांकना नहीं, शांत चित्त गंभीर होकर के चल रहे हैं। मनुष्य की देखने की दूरी मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादित दूरी जो है 10 गज की दूरी है। 10 गज तू दूरी तक देखने की मर्यादा मनुष्य की है, उसके उपाद अतिक्रमण कर दे चाहे 10 किलोमीटर देखे अलग बात, 10 गज। भगवान राम 10 गज की दूरी को देखते हुए इतनी दूरी के अंदर अपनी दृष्टि डालते जा रहे। आप लोग भी 10 गज दूरी कभी देखे होंगे, हम लोग तो नहीं देख पाए है? अब आप कहेंगे कब देखे, जब आपका ब्याह हुआ होगा और मंडप की परिक्रमा आप लोग जब करते हैं तो दूर से हम लोग भी देखे है? बड़े गंभीर होकर के दूल्हा जी है? दुल्हन जी बड़े गंभीर हो, कितनी दूरी तक देखते देखते ना एकदम शांत, चाहे जितना झगड़ेलू हो लेकिन ब्याह के समय सब शांत, बाद में होगा देखा जाएगा लेकिन अभी तो एकदम गंभीर है। वो समय होता है मर्यादित,
लेकिन अब तो शादी ब्याह बटन दबाया कैमरे का, शादी हो गई, जाओ अपने अपने, अब वो भी काम खत्म हो गया। सज्जनों, भगवान राम मर्यादा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी दूर से क्यों देख रहे हैं? जैसे देखते प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पीछे चश्मा लगाए, काले काले चश्मा लगा करके ऐसे ऐसे देखे तेरे पूरा सुरक्षा गार्ड, तो लक्ष्मण जी महाराज सुरक्षा गार्ड हैं, इनको दूर तक देखना आवश्यक है कि मेरे स्वामी पर कोई आक्रमण न कर दे। इसलिए अब सती के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, सीता बन गई। अब सीता बनने के बाद भगवान धीरे धीरे नजदीक पहुंच गए और भगवान ने जोर पान कर कीन प्रमाणु प्रणामु, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और क्या कहा? जोर पान कर कीन प्रणामु पिता समेत लीन निज नाम। अपना परिचय भगवान राम ने ब्रह्म का नहीं दिया कि मैं भगवान हूं, ईश्वर हूं, मैं मुझे ईश्वर मान लो। अपना परिचय जो लीला है ना भगवान की, मनुष्य लीला, मनुष्य लीला के अनुसार, हे देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, पिता मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, राम आपको प्रणाम करता है, लेकिन एक बात समस्या आ गई, जोरी पानी कर प्रणाम, जोरी पानी कर किया, अपना परिचय दिया। सती जी ने सोचा कि भाई बात तो सही है, सही सही बात अपनी बता रहे हैं कि दशरथ का पुत्र मैं हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन भगवान शिव ने कहा, कहो बहोर कहां ब्रस केतु। भगवान शंकर का एक नाम ब्रस केतु है, विपिन अकेले फिरऊं कहीं हेतु, इस जंगल में आप अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं? भगवान शंकर कहां है? भोलेनाथ का। अब महाराज सती को संकट हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ जान गए, अब मन में संशय, मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर जाना, मैंने शंकर की बात नहीं मानी, शिव की बात नहीं मानी और ये अज्ञान, हमारा अज्ञान मुझे यहां तक घसीट कर ले आया। अब सती जी विचार कर रही हैं, चिंता में पड़ी हैं। भगवान श्री राम ने सोचा कि सती को कुछ कष्ट हो गया, जाना राम सती दुख पावा, प्रगट
को थोड़ा शांति लाने के लिए भगवान ने संपूर्ण संसार में इनको कवि दिखा रहे हैं, पृथ्वी में आ रहे हैं, श्री राम लक्ष्मण आ रहे हैं और फिर दूसरी दृष्टि दूसरी दिशा में जाती है तो देखते हैं उधर से राम लक्ष्मण सीता तीनों आ गए हैं और ऐसे देखती है फिर आकाश मंडल पर देखती हैं, देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक पे एका, भगवान शंकर विष्णु आदि देवता श्री राम की झांकी का आरती उतारे, पूरा आकाश मंडल सिया राम में सब जग जा, संपूर्ण जगत संसार में सीता राम में दिखाई दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम राम अति बुलाइए देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, ओ राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, अनमोल मिला इस व्यर्थ गवाना देना, मनुष्य जन्म अनमोल मिला इस व्यर्थ गवाना देना, शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, कोई देखे देख ले,
हरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति हमें जला के देख ले, राम नाम हाँ राम नाम, अरे राम नाम अपनी कार उलटा के देख ले, राम नाम जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम सभी लोग ताली बजाइए प्रेम से, गणिका ने ऐसी करी कमाई, ऐसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे मध्य में सरकार पधार रहे हैं, सभी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि की भी अजा मिल गज गणिका ने कैसी करी कमाई, की भी अजा मिल गज गणिका ने कैसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया सगन कसाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया सगन कसाई, हाँ पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले, राम नाम अरे राम नाम, और राम नाम अतनी का है कोई गा के देख ले, राम नाम अतनी का है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, कोई गाके देख ले, राम नाम अपनी का है कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बोलो श्री राम भगवान की जय, श्री हनुमान।
नारायण जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, जय सीता। दो चार मिनट प्रसंग को भगवान शंकर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। सती जी अब पश्चाताप करते हुए जा रही हैं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लेन परीक्षा कवन विधे कहो सत्य सब बात। आप परीक्षा लेकर के आई, कैसी रही परीक्षा? अब सही सही बताना, लेकिन फिर झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। सती जी ने जो देखा किया, भगवान शंकर जी अपने ध्यान में देख लिए। ये तो राम जी को, राम जी ने इसको माँ कह करके प्रणाम किया। अब ये हमारे स्त्री योग्य नहीं रह गई, क्योंकि मेरे आराध्य को, अरे मेरे आराध्य राम है, मेरे आराध्य ने इनको माँ कहा, तबे मेरे राम जी की माँ हो गई, तो मेरी पत्नी कैसे हो सकती? यह तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की न मन माही। इस शरीर से इसका भेंट करना उचित नहीं है। वैसे शंकर जी ने कहा, परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप। ये पवित्र स्त्री है, पतिव्रता है, पतिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको शरीर से धारण करने में मेरा भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि राम ने इसको माँ कह करके प्रणाम किया है। तो ऐसा सोच करके शंकर जी सोचे कि इससे बात करना ठीक नहीं है। तब शंकर धरी देख्यो ध्याना, सती जो कीन मरम सब जाना। सती जो लोग जो किया सब ध्यान में देख लिया। इस प्रकार से सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ऐसी स्थिति जिसकी होगी वो उसके जीवन में अशांति आएगी। एक सुंदर दोहा लिखा, जल पे सरिस बिकाय देखे प्रीति कीरित भल, बिलग होए रस जाय कपट खटाई परत। जल पय, जल माने दूध, जल माने जल, पय माने दूध। जल में दूध बिकता है, दूध में जल बिकता है, सब लोग जानते हैं। और दूध में थोड़ा खटाई डाल दो तो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। इसलिए कपट रूपी खटाई जब परिवार में, किसी आपस में, भाई भाई में, स्त्री पुरुष में, माता पिता में जब कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो दोनों का संविच्छेद हो जाता है, दोनों बिलग बिलग हो जाते। ये भाव तो भगवान शंकर, शंकर सहज स्वरूप समारा, सहज स्वरूप समाधि अखंड पारा।
कितने वर्ष तक समाधि में रहे? बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि संभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर ध्यान में रहे और सती शंकर जी के सामने बैठी प्रतीक्षा करती रही। बताओ कितना पतिव्रत धर्म था उसका। सती प्रतीक्षा करती रही, 87,000 वर्ष बीत गए। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जागे, उच्चारण करते हुए देखिए भगवान शंकर राम नाम का, राम नाम शिव सुमिरन लागे। यहाँ लोग कहते हैं राम राम करने से क्या होगा, अब क्या होगा, क्या लाभ होगा? शंकर जी से पूछो क्या लाभ मिला ना। राम नाम का सुमिरन भगवान शिव करते हैं। यहाँ के लोग टुटपुजिए लोग जो है जिनको अक्ल नहीं, सही चलने की बोलने की बैठने की अक्ल नहीं, वो कहते हैं राम राम करने से क्या फायदा। ऐताल बैताल लोग ऐसे कहे जाते हैं। तो राम नाम से फायदा क्या है? तो राम नाम जपने से पता चलेगा, नहीं जपोगे तो फायदा कहां से आएगा। तो सज्जनों, सती को इतना समय व्यतीत हो गया, फिर शंकर जी की समाधि टूटी और भगवान शंकर ने सती को सामने आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, आओ सामने बैठो। पहले सती को बगल में बाएं हाथ बैठाते थे बाएं तरफ, लेकिन आज सती को सामने क्यों बैठाया? इसलिए जब जिसकी बुद्धि खराब हो, जिसका दिमाग सही न हो, विचार सही न हो, विचार से बहक गया हो, ऐसे व्यक्ति को बगल में नहीं बैठाया जाता, ऐसे व्यक्ति को सामने बैठा करके ठीक से समझाया जाता है। इसलिए शंकर जी ने सुना इनकी बुद्धि विकृत हो गई है, अशांत है, इसलिए इसको सामने बैठा करके कुछ समझाएंगे। लेकिन याद करो कि विद्यार्थी को पढ़ने वाला होता तो ढंग से पढ़ता है, जो नहीं पढ़ने वाला होता किसी कापी खींचता, किसी कलम गिरा देता है, कहीं ऊपर झांकता, कहीं इधर झांकता, इनका चित्त अशांत है। सती जी देख बैठी तो आगे हैं, लेकिन देख रहे हैं आकाश की ओर, आकाश की तरफ मुड़ी दिखाया। भगवान शंकर सोचते हैं कि कुछ हम समझाएंगे, जो आकाश को देखेगा उसको क्या समझाए, आकाश को देख रही मुबाए। तो शंकर जी ने सोचा ऊपर जाना है लगता तुम्हारा काम, अब तुम्हारा नंबर आ गया, ऊपर देख रही हो। तो शंकर जी बैठे थे, क्या इसको समझाए, इसको बुद्धि नहीं काम कर रही, इधर उधर ताक रही। तब तक ऊपर देख लिया आकाश मार्ग से बड़े बड़े विमान जा रहे हैं, फ्लाइट हवाई जहाज की तरह, उस समय रथ दूसरे रहे होंगे, इतने विमान जा रहे हैं, इतने विमान जा रहे हैं, देख करके सती दंग रहेगी, ये क्या हो गया आज, इतने विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर से पूछा कि महाराज ये सब कहाँ जा रहे हैं? कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, उसमें सब आमंत्रित है, तो आप नहीं जाएंगे? कहा हमका निमंत्रण नहीं दिया, हमका आपको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन में मेरा उसको अपमान महसूस हो गया, क्योंकि जब प्रजापति को दक्ष को प्रजापति पद मिला
उस समय ब्रह्मा की सभा में सबको आमंत्रित किया गया था, दक्ष ने आमंत्रित किया था, ये दामाद के रूप में गए थे, लेकिन भोलेनाथ तो भोले हैं, सब लोग उसका माल्यार्पण कर रहे थे, फूल दे रहे थे, कोई गिफ्ट दे रहे थे देवता लोग, लेकिन शंकर जी एकांत में बैठ करके समाधि लगे, ध्यान में चले गए। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा कुछ मतलब नहीं, लेकिन याद बात एक बात याद रखिएगा, आप लोग चुन करके भेजते हैं मंत्री एमपी विधायक जो भी जाते हैं चुन करके, कोई नेता इसमें बैठा हो बुरा मत मानिएगा, एक व्यवस्था होती है जब आदमी बड़े पद पा जाता है तो उसके अंदर मान सम्मान की प्रतिष्ठा और भागती बड़ी स्पीड में जागती है और अहंकार बढ़ जाता है। जब अहंकार बढ़ जाता है तो ये नहीं देखता है कि हमको किसने माला पहनाया, वो ज्यादा ध्यान रखता है किसने माला नहीं पहनाया, क्या भाई उसका ध्यान ज्यादा उस पर जाता है कि अरे किसने माला मुझको नहीं पहनाया, और पूछता भी है आए थे सब लोग, अच्छा माला अर्पण किए थे, अब फला आदमी फला व्यक्ति लगता है मुझको माला नहीं पहनाया था, हाँ हाँ वो नहीं पहनाया था, इसका मतलब है वो विरोधी है, बोलो सियावर रामचंद्र की, रामायण में भी राजनीति है, सीताराम भगवान की, नीति के बिना राज चलता ही नहीं, राजनीति कोई खराब चीज थोड़े है, नीति से राज चलता है, कुनीत से राज नहीं चलता है, कूटनीत से राज नहीं चलता है। तो सज्जनों मैं विराम देना चाहता हूँ, अब समय काफी ले लिया गुरु भाई का, इसमें बीच में व्यास जी का भी पदागमन हुआ, तो इनके भी बारिश से भजन आप लोगों ने सुना। सती बार बार आग्रह करती है अपने घर जाने के लिए, भगवान शंकर दो गणों को भेज करके भेजा घर, वहां पर किसी ने सम्मान नहीं दिया, सादर भेंट मिली, एक माता एक माँ देखी, मैंने पहले भी माँ की बात कही थी, इतने लोगों ने अपमान किया उसका सती का, लेकिन एक सादर भले मिली एक माता भगिनी मिली, बहुत मुस्काता, जितनी बहनें थी बहुत हंसी उड़ा रही, लेकिन एक माँ मिली जो हृदय से गले लगाई, वहां तो संतोष हुआ, लेकिन जब यज्ञशाला में सती गई है, सती जाए देखो तब जागा, कतहु ने संभ कर भागा, कहीं पर शंकर जी का भाग नहीं है, स्थान नहीं है, कतहु न दीख संभ कर भागा। अब जो है सती को बड़ा टेंशन हुआ, बड़ा चिंता हुआ कि मेरे पति का इतना अपमान, क्योंकि पतिव्रता नारी है, परम पुनीत न जाए तज, भगवान शंकर कह गए कि पतिव्रता में इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए अब पतिव्रता होने के नाते अपने पति का अपमान नहीं सह सकी, और इस प्रकार से क्रोध में सबको श्राप दिया, और भगवान शंकर में वीरभद्र आदि गण भेजे, और वहां पर सब यज्ञ विध्वंस हो गया, देवताओं का प्रभु ऋषि का दाढ़ी नोच नोच करके खूब पीटा गया, क्योंकि वही मुख्य आचार्य थे, उनकी पिटाई खूब गम से हुई है, कैसे कुमारगी आदमी का यज्ञ कराने आए हो, तो उनकी हो गई कायदे से पिटाई। तो सज्जनों जब गलत आदमी के साथ करोगे ना तो आपको भी मार खाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से सब यज्ञ विध्वंस हो गया। फिर सती जी ने विचार किया कि अबे शरीर में शरीर धार रखना संसार में उचित नहीं है, विचार करते हुए अस कही योग अगिन तन जारा भयो सकल मखाकारा, ऐसा सोच करके मन में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लेती है, और फिर वही सती पावित्र पार्वती हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं। आगे की कथा आप फिर कभी सुनेंगे, बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।
जी सीता। मंगल भवन अमंगल
श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्याधाम की जय। श्री सरयो धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री कमला विमला की जय। श्री बगही धाम की जय। श्री बगही सरकार की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। संत समाज की जय। जय जय सीता। परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय गोसंत सेवी परमहंस परम परिव्राजक पूज्य चरण श्री सदगुरुदेव भगवान जी, वेद मंत्रों के माध्यम से आवाहित समस्त देववृंद, गुरुभ्राता श्री रामज्ञादास जी महाराज, श्री रामोदारदास जी महाराज, श्री रामानंददास जी महाराज, बाबा श्री राजदेवदास जी हमारे आश्रम के अन्य सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, सभी कलाकार बंधु, समुपस्थित माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों तथा बच्चों, श्री गुरुदेव भगवान जी एवं भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा से हम सभी भक्तगण और आई ग्राम के इस पावन परिसर में भगवान श्री सीताराम जी के पावन आश्रय में छत्र छाया में हम सभी उपस्थित होकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। गुरुभ्राता रामज्ञादास जी महाराज बहुत सुंदर भगवती सती जी का चरित गान कर रहे थे और भगवान की पावन लीला का आप सभी कथा के माध्यम से श्रवण भी कर रहे थे और कर रहे हैं। हम सभी भारतवासी माँ बहन भाई बुजुर्ग बच्चे संत महात्मा मनीषी आचार्य सब किसी न किसी माध्यम से भगवान को याद करते हैं, भगवान में आस्था पूर्वक अपनी भावना को समर्पित करते हैं, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, कई बार कुछ मांगते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कुछ नहीं मिलने पर अंतः पीड़ा को भी अनुभव करते हैं, कई बार मिल जाने पर उसका एहसास नहीं करते हैं, कई बार एहसास हो जाए तो भगवान को कई बार धन्यवाद करते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं। इन विभिन्न प्रकार की
बातों और समस्याओं में ये मानव मन उलझकर अथवा मानव मन को सुलझा कर ही सही हम सभी अपने जीवन यात्रा को कर रहे हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने सुनिश्चित किया है अथवा नहीं किया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, जीवन की किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हम करना चाहते हैं। परंतु आप करें, हम करें, ना करें, जीवन का समय अपने गति से आगे बढ़ना है। कभी सुख, कभी दुख, कभी दिन, कभी रात, कभी सुबह, कभी शाम, कभी अंधकार, कभी प्रकाश, कभी चेहरे पे हंसी, कभी चेहरे पे शिकन, कभी आंखों में नमी, कभी आंखों में खुशी, इन सब के साथ अपने जीवन की यात्रा को हम सभी कर रहे हैं। और एक पड़ाव सुनिश्चित है जीवन का, जहां पर जाकर जीवन रूपी जो ये गाड़ी है उसके पहिए रुक जाते हैं, चलना बंद हो जाता है और फिर हमारे जीवन की दूसरी यात्रा होती है। हम सभी यहां पर भाग्यशाली हैं कि इतना महान कार्य यहां पर हो रहा है, महायज्ञ चल रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है, अहर्निश भगवान के नाम का उच्चारण चल रहा है। कई बार लोग कुछ समझने में कमी कर देते हैं, कई बार समझकर नहीं समझते हैं, और कई बार समझ भी लेते हैं तो उसकी अनुरूप कार्य नहीं करते, क्रिया नहीं करते। शिवान गोपालगंज जनपद का यह बॉर्डर जहां पर यह यज्ञ भगवान का संकीर्तन चल रहा है, वैदिक मंत्रों के माध्यम से हवन चल रहा है, हम आपको आग्रह करना चाहते हैं कि जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान से निवेदन करके, कुछ न कुछ बात करके, कुछ न कुछ अपने आप में गुनगुना कर, कुछ बोल कर, कुछ कह कर, कुछ भगवान के लिए समर्पित करके और प्रतिदिन नए प्रकार से जीवन को जीने का प्रयास किया जाए। हमारे बहुत हैं संसार में, हम बहुत लोगों से जुड़े हैं, बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, बहुत ऐसे लोग बहुत बार गिनाते हैं कि हमारे तो फेसबुक पे इतने फॉलोवर्स हैं, लाखों की संख्या में स्टेटस मेंटेन किया जाता है, बहुत लोगों के मन में बात होती है, लाखों की संख्या में हमें फॉलो करने वाले लोग हैं, हमारे पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें सुनने वाले लोग हैं, हमें समझने वाले लोग हैं, लेकिन वास्तव में आपको सुनने वाले भी हैं कि नहीं, आपको समझने वाले भी हैं कि नहीं? यदि वो समझने वाले भी हैं तो कितना समझने वाले हैं, किस हद तक समझने वाले हैं? मित्रों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, परंतु कौन उसमें नकुल है, कौन सहदेव है, कौन भैया भीम है, कौन अर्जुन है, कौन द्रौपदी है, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के साथ यात्रा में सब चल रहे हैं।
क्या ये हमारा संपूर्ण जीवन कुछ ऐसे ही फॉर्मेलिटी में तो नहीं व्यतीत होता जा रहा है कि हम जीने समझ रहे हैं कि हमारे फॉलोवर्स हैं, फॉलो करने वाले हैं या मेरी बात को सुनने समझने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संख्या मात्र दिख रही है, वास्तविकता में कितना है? यह सोचकर हमें अपने जीवन के समय को बढ़ाते रहना चाहिए, आगे लेकर चलना चाहिए। हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, तनावों में कई बार बहुत अच्छा निर्णय भी नहीं हो पाता, निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है, कई बार निर्णय गलत हो जाता है, तो ऐसा होता है। परंतु जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो प्रभु से लगाव है, जो प्रभु के प्रति प्रेम है, जिसको हमने जीवन में अपना समझा, अपना माना कि मेरा सब कुछ यही है, कम से कम उस परमात्मा को कुछ न कुछ देर प्रतिदिन आप याद करो। अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, सगे संबंधी के लिए, गुरु के लिए, घर परिवार, समाज, गांव, सबके लिए, प्रदेश, देश और विश्व के लिए। हम एक व्यक्ति हैं इस विश्व में, हमारा आगमन हुआ है, हमारा कुछ दायित्व है, हम नहीं बहुत कुछ कर सकते, तो कम से कम उस परमात्मा को याद तो कर सकते हैं जिसके पास अपार क्षमता है, अपार शक्ति है। शक्ति का भंडार है वो, विद्या का भंडार है वो, ऊर्जा का भंडार है वो, ज्ञान का, सुंदरता का, स्मिता का, सद्भावना का, विज्ञान का, सबका भंडार कौन है? वो अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि राम या कृष्ण ये भगवान कैसे हो सकते हैं? इनकी लीला को देखो, इनकी लीला को देखकर आप निर्णय नहीं कर पाओगे, आपको गुरुजनों से समझना होगा, आपसे श्रेष्ठ जन जो हैं उनसे आपको समझना पड़ेगा भगवान है कि नहीं है। सज्जनों, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि औराई के इस पावन परिसर में भगवान के नाम का संकीर्तन 108 कुंज में हो रहा है। आप लोग परिक्रमा करके, भजन करके, दर्शन करके, संकीर्तन करके कहीं ना कहीं आनंदित हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव भगवान जी, श्री बघी सरकार जी, जिनमें आप सभी की बहुत बहुत आस्था है, हमें लगता है कि हम लोग जितना प्रसन्न हो रहे हैं, जितना हमें सुख मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा सुख उस महापुरुष को मिल रहा है जिनको ये नाम संकीर्तन सुनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे। चलिए चौपाई गा लिया जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना,